वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। यूपी में योगी सरकार पहले कार्यकाल की तरह फिर एक्शन में नजर आ रही है। योगी के पिछले शासन में माफिया और अपराधियों के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर गर्जा था, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने आते ही भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर सख्त रवैया दिखाया है। अब तक आधा दर्जन अफसर बोल्ड हो गए हैं। सीएम योगी ने आते ही कई अधिकारियों को निलंबित करके अपने संकेत दे दिए हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है आज कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार नजर आ रहा है। अगर योगी 2.1 की बात की जाए तो लगातार बुलडोजर भी गर जाता है और कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अगर योगी 2.0 की बात की जाए तो आते ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिला और एक्शन कुछ इस कदर नजर आया कि जो भ्रष्टाचार जिन अधिकारियों पर जिन अफसरों पर आरोप लगे थे उन पर तुरंत कार्रवाई की गई और कार्रवाई कुछ इस कदर कि निलंबन भी कर दिया गया भ्रष्ट अधिकारियों का। साफ संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, भ्रष्टाचार में शामिल होंगे तो फिर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। तो फुल एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री खुद भी करते नजर आते हैं कि माफियाओं की कमर तोड़ दी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, अभी तक यही संकेत दिए जा रहे हैं। तो सीएम योगी का एक्शन आज का विषय है और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा दें, आपको बता दें कि कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शरद त्रिवेदी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आप ही से कर रही हूँ। योगी 2.1 हमने देखा, लगातार बुलडोजर भी गर्जा और कार्रवाई भी की गई, लेकिन योगी 2.0 की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, पूरी तैयारी है इस बार। जी, शुरू से ही जब पिछली बार सरकार आई थी हमारी, तब भी हम जनता ने इसी वजह से जिताया था कि जो निरंकुश अपराध, दंगे, फसाद, माफिया जो काबिज था उत्तर प्रदेश के ऊपर, उनको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। और अब की बार भी उसी वजह से जिताया गया है। और अब की बार जो है, जो अपराधी अफसर के वेश में घूम रहे थे उनके ऊपर तलवार चली है। जैसे अभी आपने देखा कि दो डीएम गाजियाबाद के और एक एसएसपी गाजियाबाद के, जो दो पूर्व डीएम और एक एसएसपी गाजियाबाद, उनको निलंबित किया गया है। 8 डीएम निलंबित किए गए, अन्य शहरों में 2 उच्च अधिकारी जो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर है उनको निलंबित किया गया है। अभी जैसे आपने देखा कि अभी 3 दिन पहले एक घटना थाने में घटी थी, उसमें 29 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो अपराध किसी भी स्तर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके साथ सरकार है, और जो इस तरह की हरकतें करते पाए गए उनके ऊपर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे जो करना पड़े। अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, जैसे पहले सब छोड़ गए थे, अब अफसरों की ऊपर गाज गिर रही है। जिस तरह ये घुन की तरह प्रदेश को खा रहे थे, देश को खा रहे थे, उसको खत्म किया जा रहा है। जैसे आज से 2500 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कोई सरकारी अफसर इस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है कि जैसे एक मछली पानी में रह के कितना पानी पी लेती इसका पता नहीं लगा सकते। उसी तरह जो अपराधी अफसर हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की उन्नति, प्रदेश में सुशासन में बाधा पड़ती है। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जनता ने हमको चुना है, और वो कार्रवाई आपने देखा कि 2 महीने के अंदर अंदर एक व्यापक स्तर पे कार्रवाई की जा रही, जिसमें सैकड़ों अफसर निलंबित किए गए हैं, कुछ को जेल करी गई है। तो इस तरह के कार्रवाई के लिए ही हमको चुना गया था, और वही कार्रवाई अब हम दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कपिल जी, आप जिस तरीके से शरद त्रिवेदी जी को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं लगातार एक्शन लिया जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी और अवैध निर्माण के खिलाफ भी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोथा चना है, बाजे घना है, इसीलिए मैं मुस्कुरा। हमारे मित्र
अपनी कमजोरी को भी अपनी मजबूती बना लेते हैं, सबसे बड़ी चीज ये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मणिलाल पाटीदार जो एसएसपी था, जिसने एक व्यापारी की हत्या की थी और 6 लाख रुपए उनसे घूस मांग रहे थे, वो आज क्यों पुलिस के चंगुल से बाहर? योगी राज में यो कानून का राज है कि नहीं है? आप 1.5 साल से एक अपना एसएसपी नहीं पकड़ पा रहे। श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। देखिए, मैं वही कह रहा था कि मणिलाल पाटीदार जो पिछले 1.5 सालों से फरार हैं और सरकार के हाथ इतने कमजोर हैं कि उनका पहुंच नहीं पड़ा, के चक्कर उनको जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया, तो ये तो इनकी इनकॉम्पिटेंसी का ये पहला प्रभाव। अब मैं और भी प्रभाव दूं। देखिए, इन्होंने अपने पुलिस का जिस तरीके से अपराधीकरण किया है, भारत में सबसे ज्यादा 40% यानी कि आज से 4 महीने पूर्व जो आख्या है उसमें 467 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो चुकी। तो ये पुलिस को दरिंदा बनाने का काम कर, आपने पाली के अंदर देख ही लिया ललितपुर में कि किस तरीके से पूरे थाने के अंदर थाना अध्यक्ष जो है वो नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करता है और 5-6 जो उसके कर्मचारी है वो करते हैं, ये सस्पेंड करते हैं। इन्होंने अभी तक जितना बताया ये बताया हमने इनको सस्पेंड कर दिया, हमने उनको सस्पेंड कर दिया, ये डीएम को सस्पेंड कर दिया, ये गलत थे, ये भ्रष्टाचारी थे। तो 5 साल क्या कर रहे, 5 साल क्या कर रहे थे? जब हमने कहा कि वो सोनभद्र के डीएम को हटा दीजिए, वहां अवैध खनन हो रहा है, हमने कई आरटीओ की शिकायत की कि ओवरलोडिंग चीजें चल रही है इस तरीके की, अब आपको वो सही मिल रहा है? तो मैं तो वही बात कह रहा हूँ, हटाया गया ना, कार्रवाई की गई। वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो अफसर भ्रष्टाचार में शामिल पाए जा रहे हैं हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो आंकड़ा दिखा रहे हैं। दीपिका जी, दो तरीके की। देखिए, निलंबन जो होता है वो कोई शस्ति नहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये कोई शस्ति नहीं। हम कह रहे हैं अगर कोई डीएम भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई आरटीओ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपने एफआईआर कितने पे दर्ज की संबंधित सेक्शन के, वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है। जांच करते जाएंगे, वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है और निलंबन वापस हो जाता है, उसके बाद उससे भी बड़ी पोस्ट दे दी जाती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिजली विभाग के अंदर घोटाला हुआ था, पीएफ घोटाला, उसके सचिव को इन्होंने क्या किया, निलंबन किया था और आज बैठा दिया। पूछिए, प्रमोशन किया कि नहीं किया? आजमगढ़ के अंदर इसी तरीके से। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। बिकरू कांड हुआ, उसमें कई पुलिस वालों का हाथ था, इस पर जवाब उस संबंधित पुलिस, दीपिका जी एक मिनट, उस पुलिस वालों का इन्होंने क्या किया, कितने के ऊपर बुलडोजर चला दिया इन्होंने, और रामगढ़ताल जो थाना इंचार्ज थे जिन्होंने नवीन गुप्ता की हत्या की व्यापारी की, उनके यहाँ बुलडोजर कब पहुंचेगा? न्यायप्रिय ढंग से करना चाहिए ना। अजय मिश्रा टेनी का क्या होगा, अजय मिश्रा टेनी का, और पुलिस अभिरक्षाओं में जो मृत्यु हुई 467 वो, और प्लस 22 जो फेक एनकाउंटर्स की जांच पूरी इंडिया में हुई, मानव अधिकार आयोग ने किया, उसमें से 17 तो उत्तर प्रदेश में साबित हुआ। तो ये अपनी ठाए ठाए वाली जो पुलिस है उसको तो कहते हैं कि भैया तुम अपील के अधिकारी जो है विवेक तिवारी की हत्या कर दो, और तुम शरद यादव की हत्या कर दो। मैं लौटूंगी, जनार्दन मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी मैं। आप जनार्दन जी, जिस तरीके से अगर पहले कार्यकाल की बात की जाए, जो आंकड़ा है कम से कम 17 आईपीएस का और 6 आईएएस पर कार्रवाई की गई थी पिछले कार्यकाल में, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, एक बार फिर से जब योगी आदित्यनाथ के हाथों कमान सौंपी गई तो एकदम से भ्रष्ट अधिकारियों पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, आपको लग रहा है इस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी? क्या संकेत ये देता है? दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी और पिछली बार भी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के जो चुनावी वादा था उसके साथ सरकार बनाई, और पिछली बार भी आपने देखा कि कुछ बड़े जो माफिया थे, जो संगठित क्राइम करने वाले थे, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई, और इस बार भी वही सिलसिला जारी है। लेकिन देखिए, क्राइम एक ऐसी चीज है जिसको पूरी तरीके से न समाप्त किया जा सकता है, बस उसको जो सरकार की जो पावर है उससे काबू किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कितनी इंटेंसिटी के साथ किस चीज को यूज करते हैं, पुलिस सिस्टम हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि उस जो क्राइम जो बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा बिंदु है जिस पर सारी चीजें जुड़ी होती है।
आप बेहतर उद्योग की बात कर लीजिए या आप शिक्षा की बात कर लीजिए, जो भी हर चीज लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए, रहन सहन की बात कर लीजिए, हर चीज लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु था और उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बहुमत की सरकार बनाई। निश्चित रूप से कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जैसा मैं कपिल जी कह रहे थे वैसा उनसे मैं सहमत हूँ कि कार्रवाई को एक अंजाम तक पहुंचाया जाए और इसको एक नजीर बनाया जाए। कोई भी एक अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है उसके ऊपर मात्र सस्पेंशन की कार्रवाई करके इतिश्री ना की जाए, बल्कि उसको एक अंजाम तक पहुंचाया जाए, जिससे आगे जो और भी अधिकारी हैं उनको भी एक सबक मिले और इस चीज से जनता को जो कैंसर है ये भ्रष्टाचार का, इससे मुक्ति मिल सके। शरद जी, आपने सुना जिस तरीके से जनार्दन जी कह रहे हैं कि कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया जाए और कार्रवाई को नजीर बनाया जाए, जिससे दोबारा से इस तरीके की अगर कोई घटना हुई है तो वो ना हो, अगर कोई भ्रष्टाचार में शामिल भी हुआ है तो वो भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मेरे मित्र और मेरे सह वकील कपीश जी ने जो बात कही मैं उसको उनको कहना चाहूंगा कि जब मायावती जी के ऊपर हमला हुआ था तो जिन जिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया तो उन पर कौन सी कार्रवाई हुई थी? जब 28 विधायक मुलायम सिंह जी का जब पहला कार्यकाल था, जब पहली बार विधानसभा की बैठक हुई, 28 विधायक विधानसभा से अस्पताल पहुंच गए, इतनी अच्छी बहस हुई विधानसभा में। उसके बाद तेवतिया जी पे हमला हुआ गाजियाबाद पे, रीटा बहुगुणा जी जब कांग्रेस में थी तो उनके ऊपर हमला हुआ, इनके जो शीर्ष नेता कह रहे थे कि बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, जब इनके दूसरे नेता ने एटा में कहा कि नहीं जी छोटी मोटी चोरियां आप कर लीजिए, डकैतियां मत करिए, तब उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? जब आजम खान साहब ने कहा कि मैं डीएम और एसएसपी से जूते पॉलिश करवाऊंगा तो कौन सा मानहानि का दावा हुआ और कौन सा एफआईआर लिखाया गया? उसके बाद डीएसपी को इनके यहाँ गोली मारी गई, तब कौन सी कार्रवाई हुई? ये तो उसके बाद तो ये उनके कार्यकाल की बात हो गई ना, आप अपने कार्यकाल की बात। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमने जो कहा था सो किया, हमारा बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं। हमने 2000 करोड़ की संपत्ति बरामद करी है माफिया से, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सारे के सारे जेल में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी घटनाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि घटनाएं नहीं घटती हैं, टेनी से कब लेंगे अजय मिश्रा, टेनी से कब लेंगे? उसके बाद जो कार्रवाई की जाती है वो कितनी सख्त होती है आप ये देखिए कि दंगे हुए एक बार कोशिश की गई थी दंगा करने की, धनंजय सिंह से, लेकिन जब दंगा करने की कोशिश की गई तो जो राज्य सरकार ने जो उसका भूषण सिंह से कब लेंगे प्रतिकार किया है उसके बाद से कोई अब तक दंगा नहीं हुआ है। तो ये जो हम लोग कहते हैं हम करते हैं और जो कह रहे हैं वो करेंगे। हम लोगों ने जब खनन माफिया खत्म किया, पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया खत्म किया, शिक्षा माफिया खत्म किया, जिस तरह की निरंकुश अपराध था कि उसको हम निलंबन की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, आपको नजीर पेश करनी होगी कार्रवाई की। देखिए, हमारा कानून ये नहीं कहता है कि जिस दिन अगर किसी पे आरोप लगा है तो उसको सीधे फांसी चढ़ा दी जाए, सवाल बाद में पूछा जाएगा। हमारा कानून नहीं कहता है उसने, और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, जो सर्विस रूल्स होते हैं, सबसे पहले उनके ऊपर इंक्वायरी की जाती है, जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उसके ऊपर इंक्वायरी खोली जाती है, उसके बाद जब इंक्वायरी में तथ्य सामने आते हैं उसके ऊपर शिनाख्त होती है, इंक्वायरी होती है, उसके बाद एफआईआर लिखा जाता है। जो सर्विस रूल्स हैं उस पे सबसे पहले इंक्वायरी होती है, किसी भी सरकारी वरिष्ठ अफसर के जो सर्विस रूल्स हैं उसके ऊपर इंक्वायरी की जाती है, उसमें जब ये पाया जाता है कि वो दोषी है उसके बाद एफआईआर लिखाया जाता है, फिर उसको जेल भी होती है, पहले जेल भी करी गई थी। इनके कई जो अफसर हैं जो नोएडा अथॉरिटी की जहां चूल्हे हिल गई थी, मैं यादव सिंह का किस्सा सबको मालूम है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्या हालत बना दी थी, आज ये इनकी पूरी सफाई हो गई है। इनमें जितने माफियागिरी, घूसखोरी, अपराध की निरंकुश अपराध था उसको कंट्रोल किया गया, अपराध खत्म। जैसे अभी हमारे विश्लेषक जी ने कहा कि अपराध खत्म तो तभी हो सकता है जब मनुष्य खत्म हो जाए, जब तक मनुष्य के जाति इस धरती पे अपराध होगा लेकिन निरंकुश नहीं होगा, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे दंगे खत्म किए गए हैं वैसे ही हम लोगों ने इस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं और निरंतर कार्रवाई होगी। ठीक है कपिल जी, कपिल जी वो कह रहे हैं कि दंगे खत्म हुए, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा दीपिका जी, ये तो कुछ नहीं बस।
मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि अगर कोई संज्ञेय अपराध घटित हो रहा है तो उसके लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करने, पहली चीज। ये 154 सीआरपीसी का उल्लंघन थोड़ी कर दे, राजा और रंक दोनों के लिए कानून एक जैसा, ये भारत और भारत के संविधान की ग्रिड नॉर्म से ही बनता है। दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई जितने मैंने आपको मामले गिनाए उसमें ये बताने के लिए तैयार नहीं कि इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की। अभी तक मणिलाल पाटीदार को ये नहीं पकड़ पाए तो इससे कमजोर ज्यादा सरकार और क्या हो सकती है। ये बता रहे हैं 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करा ली। अरे जो दाऊद इब्राहिम के शूटर आपके हैं, जो एमएलसी जिनको बना रखा, वाइफ को बना दिया, आप हमें बताइए ना, उनके भतीजों को अपना विधायक बनाया, वो क्या ब्रजेश सिंह का पूरा परिवार, विनीत सिंह, धनंजय सिंह जो कि माफिया है, जिनको एसएसपी आवास के सामने आप क्रिकेट खिला रहे थे घोषित नामी बदमाश के, ये ब्रजभूषण सिंह, इन लोग पे कार्रवाई कब अटैच करेंगे? और अजय मिश्रा टेनी पे, अजय मिश्रा टेनी जिन्होंने चार सीधे लोगों को जो है आशीष से चढ़वा के मरवा दिया, 25 सितंबर को उनका वीडियो था कि एक मिनट में उठा दूंगा, तो आपने कहा उनको मुलजिम बनाए। और सेंगर साहब तब तक आप दिल से लगाए रखे अपने विधायक को जब तक कि वो दोषसिद्धि नहीं हो गया और उसने पूरे बिटिया के परिवार को साफ कर दिया। 467 पुलिस अभिरक्षा में आपने हत्याएं करवाई हैं, उसके लिए दोषी योगी सरकार है, और 17 फेक एनकाउंटर में 28 करोड़ रुपए की शस्ति आप पर लगी। आप बताएंगे कैसे लॉ एंड ऑर्डर चलता है? विवेक तिवारी की पत्नी को क्या हुआ, नौकरी दे दिया क्या, जिसकी गोली मरवा के हत्या कराई थी अपनी पुलिस से? या शिखर यादव जो जिम संचालक था उसका किया आपने? तो आप बड़े बड़े चीजें ना कहें, और आपकी पुलिस बलात्कार कर रही है और आपके नेता बलात्कारियों के साथ जाकर के जम्मू और कश्मीर में खड़े होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री और उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हाथरस की बिटिया के अगेंस्ट जाके खड़े होते हैं, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको चपेट लगाती है। जी, अभी हाल ही में अगर कली की बात कर ली जाए, गाजियाबाद की तत्कालीन डीएम को निधि, यही आपका न्याय है? ये आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध टॉलरेंस की नीति रखते हैं? तो ये तो सीधी सी चाल साफ है कि ये तरफा कार्रवाई करते हैं जो इनको सूट करता है। अभी मैं पूछ रहा हूँ, जितने लोगों का निलंबन इन्होंने किया था उनकी जांच का क्या हुआ? उद्यान घोटाला था, उसकी जांच का क्या हुआ? पीपी किट घोटाला था, उसकी जांच का क्या हुआ? इनके मंत्रियों के दो दो सचिव जो हैं वो घूस लेते हुए पकड़े गए थे, जो जेल गए, इनके मंत्रियों पर जांच बैठी थी, उसका क्या हुआ? तो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हुआ। अरे सब मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से सनी और लदी पार्टी है, इसीलिए आज सबसे ज्यादा वित्त आपके पास। आरोप जो लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। प्रश्न मुझसे? जी देखिए, अगर ये व्यक्तिगत रूप से जाते हैं किस किस कहां कहां कौन कौन जिले में हुई, तो शायद हमारी समझ से कि समय जो है कई हफ्तों लगेगा इनके अपराध की। जितने लोगों का आपने नाम लिया जिनके ऊपर आपके सस्पेंशन की कार्रवाई बताई, हमें बताइए कि उतने पर से कितने पर एफआईआर किए और कितने लोगों के खिलाफ जो है आपने साबित किया। करने वाली बात हो जाती है कि जिनके मतलब अपराध की वजह से इनको सत्ता से बाहर किया गया, सिर्फ निरंकुश अपराध की वजह से, जिस तरह इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में माफिया शासन था, माफिया जनता ने ज्यादा मार दिया है, फिर और 100 सीटें ऐसी थी जो दो सरकार में आई है, उन्होंने कभी कोई जरूरत ही नहीं काम करने की। चुनाव जीत करके आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी लूट की छूट की आजादी है और आप जनता के सर मोहरा बांध दीजिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाइए। ये काम नहीं चलेगा, गायत्री ये काम नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बलात्कार दिया है, बेबसी में आपको एक मौका दिया है कि आप ये ना कहने पाए। जनार्दन जी, जनार्दन जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे। आपने आरोप प्रत्यारोप तो देख लिए, एक तरफ तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष वाहवाही लूट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जा रही है, या फिर यूं कहें कि निलंबन अधिकारियों की किए जा रहे हैं, जो अधिकारी 6-6 महीने के विदेशों पर छुट्टी पे चले जाते थे और कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, अब उन पर कार्रवाई की जा रही है, ये क्या संदेश दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, भ्रष्ट अधिकारियों में एक कड़ा मैसेज जा रहा है इससे? निश्चित रूप से दीपिका जी, देखिए जो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो ये एक पूरे अमले को जो उनके माथत हैं, जो उनके डिपार्टमेंट में, सभी को एक संदेश जाता है कि जब डीएम जैसे अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर सभी जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सभी निशाने पर हैं। तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव संदेश है और इसके साथ ही एक मतलब मैं फिर से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन को एक नजीर प्रस्तुत करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को कोई भी प्रशासन में, उत्तर प्रदेश के जो जो
ये सरकारी अमला है उसमें कहीं स्थान नहीं है ऐसे लोगों का। तो ये एक अच्छी कार्रवाई है, अच्छी चीजें हैं। और मैं इसमें एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि भाजपा सरकार में ही इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, अदरवाइज इन चीजों को काफी देर तक टॉलरेट किया जाता था। तो ये एक अच्छा संदेश जरूर है। बिल्कुल जनार्दन जी, अगर समय होता तो कपीश जी से इस पर मैं जवाब लेती, लेकिन समय मेरे पास सिर्फ इतना था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी, 2.0 में आप देख रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे थे कि निलंबन की कार्रवाई से ऊपर उठकर भी ऐसी नजीर पेश करनी होगी जिससे कि एक कड़ा मैसेज जाए भ्रष्ट अधिकारियों में। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।